हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट बोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने रोनता शिक्षक भर्ती परीक्षा की। हाई कोर्ट पहुंची फिर से भर्ती, क्या थर्ड काउंसलिंग पर लगेगी रोक, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लाइक से करें कि सभी लोगों को जानकारी हो पाए। सो गाइस, आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से आया कि ऑनलाइन फॉरम में संशोधन का मौका नहीं देने पर हाई कोर्ट पहुँचे अभ्यर्थी। 69 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का मामला है, तो इसमें क्या है वो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं 69 सहायक अध्यापक भर्ती मामला है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 69 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के ऑनलाइन फॉरम में संशोधन का मौका ना दिए जाने व चयन निरस्त करने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट याचिका दाखिल की गई है। संध्या सोनकर एवं अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी, मतलब कि 5 अप्रैल को सुनवाई होगी, और जो उम्मीद है कि जो लिस्ट आने की वो भी 8 से 10 दिन के अंदर में आने के चांसेज हैं। तो 5 तारीख तक तो इस पर लिस्ट पर थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि नहीं आ सकती। याचिका के अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि ऑनलाइन फॉरम भरने के दौरान बीएड व बीटीसी के अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक एवं पूर्वांक में टी को भ्रमवंश टोटल समझकर अंक भर दिया, जबकि टी विभाग द्वारा टी का मतलब थ्योरी था, लेकिन भर्ती संबंधित शासनादेश में कहीं भी टी की व्याख्या थ्योरी के रूप में नहीं की गई थी। अधिवक्ता ने बताया कि जो शिक्षा विभाग ने 5 मार्च 2021 को शासनादेश जारी कर कई त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया, इतना ही नहीं जो कि अभ्यर्थी राज्य मेरिट लिस्ट से बाहर थे उन्हें भी त्रुटि सुधार कर मेरिट में शामिल करने के आदेश दिए, मगर उपरोक्त गलती करने वाले अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार का मौका नहीं दिया गया, जबकि सभी अभ्यर्थी जिले व राज्य मेरिट लिस्ट में आते हैं और इसी आधार पर चयन कुछ अभ्यर्थियों का चयन भी निरस्त कर दिया गया। इन तथ्यों के आधार पर अभ्यर्थियों ने रिट याचिका दाखिल की। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ टी और पी का जो मतलब आ रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल थ्योरी यहाँ पर दे रखा था, लेकिन उन्होंने कहा था जो जीओ में शासनादेश में त्रुटि वाले में कहीं भी नहीं लिखा, उल्लेख नहीं किया था टी और पी के बारे में। तो इसको लेकर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट चले गए और देखना यह है कि अब आने वाले टाइम में क्या होता है। सरकार ने जो अभ्यर्थन निरस्त कर दिए थे उनका भी अब क्या होने वाला है, और जो कि थर्ड काउंसलिंग लिस्ट में देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है थर्ड काउंसलिंग लिस्ट रुकेगी, तो ये थर्ड काउंसलिंग लिस्ट नहीं रुकेगी, ये आएगी 100% आएगी, और इसका इस केस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, संबंध इतना है कि जो संशोधन मुद्दे वाले जो केस थे, जो याची बने हुए हैं इस याचिका में, हो सकता है कि सरकार उनका जिनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया उनकी सीटों को रोक लिया जाए, जिससे कि अगर कोर्ट कुछ भी अगर फैसला देता है तो उस टाइम पर उनको वो सीटें दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो संशोधन वाली सारी सीटें हमारी जुड़ने वाली थी थर्ड काउंसिलिंग लिस्ट में, तो अब इस याचिका की वजह से ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में कि जो याची हैं या फिर जितने भी केसेज वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन केसों की वजह से आप लोगों का जो थर्ड काउंसिलिंग में कुछ सीटें बढ़ने की उम्मीद थी वो कुछ सीटें कम हो जाएँ, क्योंकि जिनका जो स्पष्ट रूप से मतलब निरस्तन हो गया उनका तो लगभग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टी और पी की अगर जो थ्योरी प्रैक्टिकल के अंकों को लेकर कोई मुद्दा है तो उन सभी लोगों का जो सीटें रोक ली जाएंगी, जिससे कि अगर हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी ऑर्डर आएगा तो उसका पालन किया जा सके। तो गाइज, थर्ड काउंसलिंग लिस्ट में कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, ये क्लियर है। और बाकी टाइम में नेक्स्ट टाइम में जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है अपडेट देते रहते हैं आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।